हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनलेस स्टील कैसरोल के बारे में, और आज आपको एक काफी बेहतरीन कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी स्टेनलेस स्टील कैसरोल की, जिसमें छोटे से लेके बड़े कॉमर्शियल कैसरोल तक अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप अपने घर में एक बढ़िया बड़े साइज का कैसरोल लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आजकल काफी अच्छा ट्रेंड चला हुआ है प्योर स्टेनलेस स्टील के कैसरोल का, तो जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया के दो बेस्ट कैसरोल, एक है डोमेस्टिक उसके पर्पस से और एक है कॉमर्शियल प्लस डोमेस्टिक में अगर बड़े साइज की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रांड आज आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं वो है एवियास। एवियास एक काफी अच्छा स्टील ब्रांड है, काफी लोग इसको नहीं जानते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जनरली आप एक नए ब्रांड से एक पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कोई भी एक अच्छा और बड़ा ब्रांड होता है जिसके अच्छे यूटेंसिल्स या अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं उसके ऊपर आर जरूर लिखा होगा। इसका मतलब होता है ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से ये कोई भी इसका नाम या इसकी चीजें कॉपी नहीं कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कैसरोल के बारे में। जो आज मैं आपको कैसरोल दिखाने वाला हूं ये 7.5 लीटर का है, मतलब 7500 ml का है। और चलिए सबसे पहले इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी देख लेते हैं। अगर यहां पे स्टेनलेस स्टील की बात करी जाए तो काफी लाजवाब क्वालिटी की यहां पे आपको देखने को मिल जाती है। एवियास की यहां पे देखिए टैग भी लगा हुआ है और साथ ही साथ हैंडल काफी ज्यादा कंफर्टेबल देखने को लगता है। काफी बड़े साइज का कैसरोल है और उसका लिड भी कंप्लीटली इंसुलेटेड है। इंसुलेशन की बात करी जाए तो पूरा जो सरफेस है बहुत ज्यादा फ्लॉलेस है, वॉश करना काफी आसान है, और साथ ही साथ जो लॉकिंग सिस्टम है उसको भी सिंगल तरीके से बनाया गया है। कहीं भी मोल्डिंग या कहीं भी इस तरीके से स्टील को नहीं मोड़ा गया है जिसकी वजह से वो हाथ में लगे। तो यहां पर मिला जुला के क्वालिटी और जो मैं कहूँ फिनिशिंग वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब दी है। जरा इसको साइड में रख लेते हैं, फिर निकालते हैं इसका कैसरोल। तो जल्दी से इसका कैसरोल भी आपको साइज दिखा देते हैं। ये काफी बड़ा कैसरोल है और लोग इससे बहुत ज्यादा यूज टू नहीं होते हैं क्योंकि ये हर जगह यूज नहीं होता है। ये वहां यूज होगा जहां पे कभी अगर आपके घर में पार्टी है या अगर आप एक ज्यादा लोगों के खाना अगर सर्व करना चाहते हैं तब ये कैसरोल काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो एवियास का ये कैसरोल मुझे काफी ज्यादा बेहतर क्वालिटी का लगा। ये सबसे अच्छी चीज इसमें यह है कि ये आता है डबल इंसुलेशन में, यहाँ पे आपको कंप्लीट इंसुलेशन मिल जाता है। नीचे की तरफ से देखें तो एवियास की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, ये देखिए एवियास की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ इसमें इनर सरफेस में कहीं भी जॉइंट नहीं होता है, मतलब कंप्लीटली फ्लॉलेस कैसरोल है। उसके बाद अगर लॉकिंग सिस्टम देखी जाए तो अच्छा खासा बड़े साइज का लॉक दिया हुआ है। लॉक की अगर नीचे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे नीचे भी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लॉक में ये नीचे भी आपको कहीं भी इस तरीके की फिनिशिंग नहीं मिलेगी जो हाथ में लगे। तो मिला जुला के अगर मैं कहूँ तो क्वालिटी काफ़ी लाजवाब है, और मैं अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो जितने भी ब्रांडेड कंपनियाँ आती हैं उससे कहीं से भी कम इसकी क्वालिटी मुझे नहीं लगती है। और काफ़ी लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं और मेरे एक्सपीरियंस ये है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू जितने भी ब्रांडेड आप जानते हैं। तो अगर आप एक लेना चाहते हैं तो एवियास और मैक्सिमा जैसी कंपनी है वो काफ़ी अच्छे कैसरोल्स बना रहे हैं। इस टाइप के कैसरोल्स का बाय लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहां से आप ऑल इंडिया के लिए परचेज कर सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर में ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर आपको मंगाना है अपने कॉमर्शियल यूज के हिसाब से या घर के यूज के हिसाब से तो ये कैसरोल बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब इसके बाद मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूं हमारा मिल्टन का स्टील थर्मोवेयर का कैसरोल। जरा इसको इधर साइड में कर देते हैं और यहां पे थर्मोवेयर कैसरोल आपके सामने अनबॉक्स कर लेते हैं। ये कैसरोल ऐसा है जो कि अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं एक बेहतरीन कैसरोल स्टेनलेस स्टील का, तब ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हर किसी के जहन में आता है। एक तो इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड है ये मिल्टन, और तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। हालांकि इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोज में इसको दिखाया जरूर है आपको और काफी बार काफी लोगों ने पसंद भी किया है इस कैसरोल को, तो आज फिर से एक बार दिखा देते हैं। बहुत सारे चेंजेस भी आ चुके हैं, पहले की एमआरपी और अब की प्राइसिंग में भी थोड़ा सा चेंज आया है। हालांकि इस समय काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में चल रहा है, ये 3375 फर्स्ट मंथ जनवरी 2022 की मैन्युफैक्चरिंग है और ये इस समय काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में है। बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जहां से आप इसका सेट या सिंगल खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं और फिर इसके क्वांटिटी, मतलब कितने कितने लीटर कैपेसिटी में आता है और क्या क्वालिटी है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टाइप से एक पैकेजिंग देखने को मिलेगी जिसमें यहाँ पे पॉली पैकिंग देखने को मिलती है, अलग से लिड यहाँ पे सामने दिख रही है, तो ये दूसरे साइज की लिड है।
इसको भी जरा रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दो कैसरोल ये रहे और एक कैसरोल आपको नीचे से देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे कैसरोल मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसके बाद डिब्बा पैकेजिंग को थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। अब यहाँ पे फोकस कर देते हैं इन कैसरोल्स के ऊपर जो कि आपके सामने ये रहे। अब यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के कैसरोल्स यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे तीन साइजेस देखने को मिलेंगे। सबसे स्मॉल साइज जो होता है जनरली कैसरोल में 500 ml का होता है, मगर ये वाले कैसरोल के सेट में आपको ये जो स्मॉल साइज मिलेगा ये मिलेगा आपको 1 liter कैपेसिटी का। 1 liter का कैसरोल ये मिलता है, बहुत छोटा नहीं है और स्टैंडर्ड अच्छे साइज का है। और यहाँ पे भी लॉकिंग सिस्टम काफी अच्छा दिया हुआ है, आउटर लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है जिसकी वजह से सब्जी वब्जी गिरती नहीं है इसमें। तो चलिए सबसे पहले इसकी लिड लगा के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये दी हुई है इसकी लिड, और लिड को अगर लगाना है कोई बहुत मेहनत का काम नहीं है, इस तरीके से प्रॉपर्ली लग जाती है। और हालांकि मिल्टन की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और कंप्लीट यहाँ पे एक वार्निंग भी आपको मिलती है, इसको गैस स्टोव में नहीं चढ़ाया जाता है। काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वो गैस स्टोव में चढ़ा देते हैं, तो वो चीज इसमें नहीं करनी है। तो यहाँ पे पहला कैसरोल ये रहा जो कि 1 liter कैपेसिटी का आता है। इसके बाद अगर इसके बाद मीडियम कैसरोल की बात करते हैं तो ये आता है 1500 ml, मतलब जो नॉर्मल सेट में सबसे बड़ा साइज है वो इसका मीडियम साइज होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लास्टिक के कैसरोल लेते हैं तो जनरल कैसरोल 500 ml, 1000 और उसके बाद आते हैं 1500 ml, बट ये वाले कैसरोल सेट में आपको मिलेगा 1 liter 1500 ml और इसके बाद 2500 ml, मतलब 2.5 liter 2.5 liter का। तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर फिनिशिंग देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ स्टील कैसरोल की ये होती है, एक तो इसमें गर्म रहने की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है और 100% हेल्दी होता है, और अगर वेट वाइज भी देखा जाए तो काफ़ी लाइट वेटेड कैसरोल्स होते हैं ये। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक लेना चाहते हैं स्टेनलेस स्टील का हेल्दी हाइजीनिक कैसरोल, वो आप ये ले सकते हैं। एक बात तो और ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट में काफी कंपनीज अपने स्टील कैसरोल को मना करती हैं, अगर आप डिशवॉशर आपके घर में है तो डिशवॉशर में इसको क्लीन ना करिएगा, ये डिशवॉशर के लिए नहीं होता है, ये नॉर्मली आपको हैंड वॉश ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर इंसुलेशन होता है और डिशवॉशर में धुलने पे इंसुलेशन खराब हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्टील होने की वजह से काफी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और डिशवॉशर में वॉश कर देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको डिशवॉशर में वॉश नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर मैं प्राइसिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे 3375 की प्राइसिंग है, जो कि काफ़ी कम प्राइस में आपको वैसे ऑनलाइन में डील मिल जाएगी, जिसको मैंने बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिला जुला के बात करें तो अगर आप एक प्लान कर रहे थे प्लास्टिक कैसरोल का जिसके अंदर स्टील लगा रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक ये होता है कि साइड में जो जोड़ होता है एक जॉइंट सा मिलता है जिसमें गंदगी भी फंसती है, वहीं से ही कैसरोल ख़राब होते हैं। हालांकि यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी। इसके बाद अगर हम गारंटी वारंटी की बात बताते हैं तो यहाँ पे मिल्टन अपनी मैन्युफैक्चरिंग की वारंटी देता है, दिस प्रोडक्ट इज अंडर 1 year वारंटी फ्रॉम द डेट ऑफ रिटेल परचेज अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द मटेरियल वर्कशॉप। तो मतलब ये समझ के चलिए कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है उसको लेके जो मिल्टन है वो आंसरेबल है, गिरे पड़े टूटे ना, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप के हाथ से छूट के या किसी भी तरीके से डैमेज होती है तब गारंटी वारंटी क्लेम आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप ये कैसरोल लेना चाहते हैं, मुझे लगता है कि इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो अगर स्टेनलेस स्टील कैसरोल लेने की सोच रहे हैं तो बाय लिंक नीचे दिया हुआ है, इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अच्छी प्राइसिंग में है, आप परचेज कर सकते हैं। अलग अलग भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, बाय लिंक अलग अलग भी मैंने दे रखा है। तो मिला जुला के वीडियो में आपको कंप्लीट कैसरोल, बड़े साइज के स्मॉल साइज के कैसरोल्स मैंने दिखा दिए हैं। दो ब्रांड आपको इंट्रोड्यूस भी करे हैं, एवियाज भी काफी अच्छा ब्रांड है। अगर आपको लगता है एक बढ़िया कैसरोल जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल जो आप परचेज कर सकते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं इस टाइप की और भी वीडियोस देखना तो लखनऊ लोकल्स को आज ही सब्सक्राइब करिए, जिससे ये सारी डिटेल्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।